बेमौसम बारिश से और ओलावृष्टि से किस तरह किसानों की कमर तोड़ी है और हमारी सरकार कैसे किसानों को राहत देने का प्रयास कर रही है, इस पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता विकास सिंह के पास, माफ कीजिएगा आशुतोष के पास। आशुतोष, बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेश के किसानों को किस तरह प्रभावित किया है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए तरन्नुम, अगर हम पूरे इस मौसम की बात करें तो 15 मार्च से ही लगभग जो है बारिश और ओलावृष्टि का मौसम जो है बना हुआ है, और जो अनुमान लगाया है सरकार ने, जो सर्वे करवाया है, उस सर्वे के हिसाब से 34,137 हेक्टेयर की भूमि जो है इससे प्रभावित हुई है और लगभग 57 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल जो है जिन किसानों का जो है नुकसान हुआ है इसमें, उनको जो है राहत पहुंचाई जाए। और जिस तरीके से प्रदेश में वर्षा और ओलावृष्टि हुई है, इसमें 10 जिले सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। उन 10 जिलों में आगरा, बरेली, चंदौली, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज और उन्नाव, वाराणसी, लखीमपुर खीरी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले इसमें शामिल हैं और अब तक जो है 34,137 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल प्रभावित होने का अनुमान है। 56.38 लाख करोड़ रुपए की फसल जो है वो नष्ट हुई बताई जाती है और राज्य आपदा मोचन निधि से इनको जो है सहायता पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही अगर जनहान की बात करें तो 15 मार्च से लेकर अब तक जो है 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में जो नुकसान हुए हैं, अनेक गोवंश का भी नुकसान हुआ है, उन सबको जो है राहत देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असमय वर्षा और ओलावृष्टि से उपजी स्थिति को जो है उसकी समीक्षा की है और उसके साथ ही जो है जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल जो है प्रभावित किसानों को सहायता पहुंचाई जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि मौसम का जो पूर्वानुमान है वो किसानों तक हर तरीके से जो है 24 से 48 घंटे पहले पहुंचाया जाए, जिससे कि वो जो है अपना प्रबंध कर सके और असमय बरसात या ओलावृष्टि से बच सकें, अपनी फसलों को भी बचा सकें। जी सर अनुमान, आशुतोष, सबसे ज्यादा कौन सी फसलें हैं जो प्रभावित हुई हैं ये ओलावृष्टि से और बारिश से? तरन्नुम, एक बार सवाल फिर दोहराइएगा। सबसे ज्यादा जो फसलें हैं उनको कौन सा नुकसान, जो ज्यादा फसलें कौन सी ऐसी हैं जिनको ये नुकसान हुआ है ये ओलावृष्टि और बारिश से? क्या सबसे ज्यादा गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है? हाँ, बिल्कुल तरन्नुम, गेहूं जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि गेहूं की कटने का समय था और खासतौर पर बताएं कि 15 मार्च हुआ समय होता है कि गेहूं, सरसों, चना, ये सारी फसलें, मटर, इन सब की कटाई का समय होता है। तो लगभग अगर हम माने तो गेहूं चूंकि क्षेत्रफल में ज्यादा बोया जाता है, गेहूं जब तेज हवा चलती है या ओलावृष्टि होती है तो वो टूट करके गिर जाता है, लूट जाती हैं फसलें और इस वजह से जो है उनमें काफी नुकसान होता है। तो ज्यादा क्षेत्रफल में होने के नाते जो है गेहूं का सर्वाधिक नुकसान हुआ है, उसके अलावा चना, मटर, अरहर, इन सब फसलों को भी नुकसान हुआ है। जी आशुतोष, ये जानना चाहेंगे कि जिन किसानों को अनभिज्ञता है, जिनको ये नहीं पता है कि उनको सरकार मदद देगी, तो उनके लिए क्या कोई राहत केंद्र या कोई फोन नंबर, टोल फ्री नंबर कुछ मुहैया कराए गए हैं? नहीं नहीं, देखिए तरन्नुम, ऐसा है कि सरकार के लोग ही जो है गांव में जाकर के, खासतौर पर लेखपाल जो होते हैं वो गांव में जाकर के सर्वे करते हैं, जिस तरह से लगान के लिए कि किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है उसी तरह सर्वे किया जाता है और सर्वे के आधार पर जो है किस किसान की कितना फसल नुकसान हुई है उसका आकलन किया जाता है और फिर उन्हें राहत उपलब्ध कराई जाती है। यानी जो सर्वे है लगातार जारी रहेगा और जो भी किसान भाई हैं वो परेशान बिल्कुल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जानकारी देने के लिए।